आज उनके जाने से हम लोगों ने एक दरभंगा शहर किया के वास्तविक सुल्तान को खो दिया है। हमने आज दरभंगा शहर के सुल्तान को खोया है। बीता शुक्रवार का दिन दरभंगा के लिए एक काफी दुखद दिन रहा। दरभंगा शहर के पूर्व विधायक सुल्तान अहमद अंसारी और तबलीगी जमात के अमीर वकील साहब ने इस संसार को अलविदा कह दिया। शनिवार को इन दोनों प्रसिद्ध हस्तियों की एक साथ हजारों नम आंखों के बीच सुपुर्दे खाक किया गया। पूर्व विधायक को अंतिम संस्कार से पूर्व उनके आवास पर राजकीय सम्मान भी दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में राजनीति एवं समाज सेवा से जुड़े कई नामचीन लोगों ने अपनी शिरकत कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। जी, आज हमारे सुल्तान अहमद साहब सुपुर्दे खाक करने आप लोग आए हैं, इन पे जिंदगी पे क्या कहना चाहेंगे? मैं खास के इस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा हादसा है कि जो हमेशा कौम की तरक्की और इस शहर की तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहे, छोटे से पद से उन्होंने शुरू किया था, कौंसलर हुए, कौंसलर के बाद बड़ी मेहनत के बाद वो शहर से विधायक हुए, और विधायक हुए तो ऐसे विधायक हुए कि कंक्रीट का जो काम आप देख रहे हैं RCC या PCC, ये उन्हीं की देन है कि दरभंगा शहर के अंदर में सबसे पहले काम, चाहे वो दुनार रोड का हो चाहे वो MRM रोड का हो, उन्हीं का देन है कि आज गली गली में जो PCC हो रहा है उस टाइम से लेकर अब तक वो शुरू है, वही काम आ सकता है। हम कहना चाहेंगे माननीय सब बच्चा वहाँ से दरभंगा नगर के विधायक, हम सबके भाई आज सुल्तान अहमद साहब हम लोगों से बिछुड़ गए, और सबसे पहले ऊपर वाले से हम दुआ करेंगे कि उनके आत्मा को और उनके परिवार को सबूर और शांति मिले, और साथ साथ सुल्तान अहमद साहब एक नेक इंसान और जीवन भर वार्ड काउंसिलर से होकर के विधायक तक वो बिहार वासियों और दरभंगा वासियों के लिए सेवा किए हैं, और उनका सेवा गरीब तबके के लोगों को, कमजोर लोगों को, दरभंगा नगर वासियों को मिला है, इसका जीता जागता उदाहरण है। दरभंगा और शुभंकरपुर जब दो पार्ट में बटा हुआ था तो हमारे स्वर्गीय सुल्तान अहमद अंसारी साहब अपने विधायक काल में अपने ऐच्छिक कोष से हमारे दरभंगा का सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब से जुड़ करके दोनों आदमी मिलके एक बड़ा सेतु बनाने का काम किया था, और दरभंगा नगर वासियों को जो दो भाग में विभक्त था उसे एक करने का काम किया था। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। उनके जाने है हम लोग के बीच में उनकी काफ़ी कमी महसूस होगी, और ये दरभंगा के आवाम के लिए काफ़ी एक नुकसान हुआ है उनके जाने से। वो हम लोग के गार्जियन की तरह थे और काफ़ी ईमानदार सियासी आदमी थे, और उन्होंने जितना दरभंगा शहर का डेवलपमेंट किया हमको नहीं लगता है कि आज तक किसी विधायक ने किया। उनकी कमी दरभंगा के आवाम को हमेशा खलती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे आज हम लोग अपने नेता सुल्तान अहमद अंसारी साहब जिनका देहांत हो गया है, आज हम लोग मरमाहत हैं। आज उनको हम लोग कब्रिस्तान के अंदर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। सुल्तान साहब दरभंगा नगर निगम की राजनीति से लेकर बिहार विधानसभा की राजनीति तक उन्होंने हमेशा दरभंगा जिले के दबे कुचले के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के हक हुकूक के लिए, उनके विकास के लिए हमेशा उन्होंने दरभंगा नगर निगम से लेकर बिहार विधानसभा तक उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, और हमेशा दलितों, पिछड़ों और अकलियतों के साथ रहे। आज उनके जाने से हम लोगों ने एक दरभंगा शहर किया कि वास्तविक सुल्तान को खो दिया है। हमने आज दरभंगा शहर के सुल्तान को खोया है, हमने एक नेता को खोया है, एक राजनेता को खोया है। सुल्तान अहमद साहब को सपुर्दे खाक कर दिया है हम लोगों ने, क्या कहेंगे? जी, आज हमारे बीच से हमारे जो पूर्व MLA थे जनाब सुल्तान अंसारी साहब इस दुनिया को रुख्सत हो चुके हैं, आज उन्हीं के जनाजे में हम लोग आए हुए हैं, और
आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे, और साथ ही मैं पूरे दरभंगा ज़िला के मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि हमारे जो MLA रह चुके हैं सुल्तान अंसारी साहब, उनके लिए दुआ मगफरत करें और अल्लाह से ये दुआ करें कि उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे। कुचले शोषितों वंचितों के लाल और जननाय कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलने वाले माननीय श्री सुल्तान अहमद अंसारी जी सदस्य पूर्व बिहार विधानसभा आज हमारे बीच नहीं है। उनके जाने का हम दुख व्यक्त करते हैं और हमने एक अभिभावक खोया है और यहाँ के दरभंगा वासी ने एक अपना एक सामाजिक कार्यकर्ता खोया है। हम उनके निधन पर उनके प्रति उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और मृतक के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विद्यानंद राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाजिब अधिकार पार्टी। पुराने समाजवादी नेता जो नगर निगम से एक कार्यकर्ता के रूप में नगर निगम पार्षद से होते हुए विधायक रहे और हमेशा पार्टी और जनहित में और विकास हित में सोचते रहे, आज हम लोगों के बीच सुल्तान साहब नहीं रहे, आज हम लोगों को बहुत दुख के साथ मरमरता है और आशा करता हूँ जो ऐसा नेता फिर अब दरभंगा जिला में दूसरा नहीं होगा, क्योंकि विधायक के समय में उन्होंने जो दरभंगा जिला में गली नाला से लेकर सब काम करने का काम किया, विकास पुत्र के रूप में सुल्तान अहमद साहब जाने जाते थे। धन्यवाद।